चंडीगढ़ में कैबिनेट बैठक हुई सरकार की। इसके लिए इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई घोषणाएं की। कॉमनवेल्थ गेम्स में जिन खिलाड़ियों ने मेडल जीते और नौकरी के लिए आवेदन नहीं किया है उन खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, और जो डिफेंस फोर्सेज और पैरामिलिट्रीज फोर्सेज में शहीद हुए हैं उनके आश्रितों को उनके परिवार में से किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, और जो सेवानियुक्त कर्मचारी हैं उनकी उम्र बढ़ाकर 58 साल से 60 साल की जा रही है। जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनकी उम्र 60 साल से 62 साल करने का सरकार की तरफ से फैसला किया गया है, इसकी घोषणा की गई। प्रदेश की हरियाणा सरकार ने आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जी हाँ बिल्कुल, इस चुनाव को लेकर सरकार कितनी गंभीर है इसका अंदाजा हरियाणा कैबिनेट की हुई बैठक से लगाया जा सकता है। इन दिनों हरियाणा सरकार लगातार कई बड़े बड़े फैसले लेकर हर वर्ग को रिझाने में जुटी है। ऐसे ही कुछ बड़े फैसलों को रविवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। ये फैसले कुछ इस तरह रहे। प्रदेश में रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाकर 60 साल किया गया है। दावड़ू तहसील के कई गांवों को सोहना में शामिल करने पर हुआ फैसला। सशस्त्र सेना बलों अर्धसैनिक बलों के शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा सहायता आधार पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति देने की मौजूदा नीति में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। धार्मिक स्थलों धर्मशालाओं और सामुदायिक केंद्रों के निर्माण के लिए सरकारी भूमि आवंटित होगी। जिन राष्ट्रमंडल खेल विजेताओं ने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं किया उन्हें भी सरकारी नौकरी दी जाएगी। हरियाणा अनुसूचित आयोग के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 6 की गई। 3 साल की सेवा पूरी करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर्स को नियमित करने का फैसला भी लिया गया। मुख्यमंत्री हुड्डा इन फैसलों के बारे में बताते हुए हमेशा की तरह से ही आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आए। जरा आप भी सुनिए किस अंदाज में हुड्डा बोलते हुए दिखाई दिए। जो सेवानिवृत्त आयु को 58 से 60 वर्ष करने का निर्णय लिया है, 58 वर्ष सुपरनेशन की एज तो 58 वर्ष होगी, और उसके बाद जो है ऑप्शनल और जो फिट हैं उनको 60 वर्ष तक का, जो क्लास 4 हैं उनकी 60 साल से 62 साल इसी क्रम से कर दी जैसे, क्योंकि ऑलरेडी 60 साल है तो वो 60 की जगह 62 फोर्थ क्लास। तो कॉमनवेल्थ में जिन खिलाड़ियों ने अभी तक मेडल जीते हैं और नौकरी के लिए आवेदन नहीं किया है उन्हें भी सरकारी नौकरी दी जाएगी आवेदन करने पर। शहीदों के जो सशस्त्र सेवा डिफेंस फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस के शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा आधार पर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में फीडर कार्डर के तहत नियुक्ति देने की मौजूदा नीति में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की है कैबिनेट ने। अब 1 जनवरी 2014 से पूर्व शहीद जवानों के आश्रितों को भी नौकरी दी जाएगी। बहरा, सरकार के इन फैसलों का प्रदेश की जनता पर कितना और कैसा असर पड़ेगा इसका आकलन होना अभी बाकी है, लेकिन इस आकलन में खरा उतरने के लिए जो कैबिनेट की बैठक में जो फैसले लिए गए उसका टेस्ट और उसका परिणाम कैसा रहेगा ये सत्ताधारी पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव का नतीजा ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। We'll be right back.